गांधीनगर में फास्ट फूड की दुकान में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक, एक कर्मचारी झुलसा, जीएमसी में भर्ती। शहर की पास कॉलोनी गांधीनगर में एक फास्ट फूड की दुकान में बुधवार रात को एलपीजी का रिसाव होने से आग लग गई। आग से पूरी दुकान जलकर राख हो गई है। आगजनी की इस घटना में फास्ट फूड की दुकान में कार्यरत एक कर्मचारी भी बुरी तरह से झुलस गया है। उसे जीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। बुधवार रात को गोल मार्केट स्थित साईं बाबा मंदिर के समीप स्थित एक फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही गांधीनगर फायर स्टेशन में दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंचे फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज के अधिकारियों ने बताया कि आग एलपीजी का रिसाव होने के कारण लगी है। फिलहाल जांच की जा रही है कि आग जिस समय लगी उस समय दुकान में भीतर काफ़ी तादाद में एलपीजी सिलेंडर मौजूद थे। फायर ब्रिगेड के एक जवान ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जल्दी दुकान के भीतर प्रवेश किया और सीढ़ी के नीचे बेसुध अवस्था में गिरे युवक को बाहर निकाला। उक्त युवक की पहचान मध्य प्रदेश निवासी रवि कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह इसी फास्ट फूड की दुकान में काम करता था। अगर फायर ब्रिगेड के जवान तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान में लगी आग पर काबू नहीं पाते तो साथ ही सटे बैंक और अन्य दुकानों में भी आग लग सकती थी। आग लगने की सूचना मिलते ही बैंक के स्टाफ भी घटनास्थल पर पहुंच गए और पाया कि बैंक में रखा सभी रिकॉर्ड सुरक्षित है। फिलहाल आग में झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। क्षेत्रवासियों ने फायर ब्रिगेड के जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं की जाती तो दुकान में आग के लपटों में फंसे कर्मचारी की जान जा सकती थी।